जोहार नमस्कार। कुणम लिपि में कुणमाली गणन सिखान में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों के बीच माचेन तक गणन लिख के दिखा चुकी हूँ, यानी कि 50 तक गिनती लिख के दिखा चुकी हूँ। और आज के इस वीडियो में माचेन अनंत से गयन तक गणन लिख के दिखाऊंगी, यानी कि 51 से 70 तक गिनती लिख के दिखाऊंगी। मचा ऊपर और नाम माचन होना मचा ऊपर दौना माचन दोना मचा ऊपर टेना मचन टेना मचा ऊपर चारा माचन चारा माचा ऊपर ओना माचन ओना माचन ओना मतलब होता है 51। माचा ऊपर दोना माचन दोना मतलब होता है 52। माचा ऊपर टेना माचन टेना मतलब होता है 53। माचा ऊपर चारा माचन चारा मतलब होता है 54। मचा ऊपर माचा माचन मचा ऊपर झेक माचन झेक मचा ऊपर गई माचन गई मचा ऊपर अठी माचन अठी मचा ऊपर माचा माचन मचा मतलब होता है 55। मचा ऊपर झेग माचन झेग मतलब होता है 56। मचा ऊपर गई माचन गई मतलब 57। मचा ऊपर अठी माचन अठी मतलब होता है 58। मचा ऊपर नमी माचन नमी झेग ऊपर शून्य झगन माचा ऊपर नमी माचन नमी माचन नमी मतलब होता है 59। झगा ऊपर शून्य झेग ऊपर शून्य मतलब होता है झगन झगन मतलब 60। झेग ऊपर ओना झेगे नना
दोना जी ऊपर टेना जेग ऊपर ओना जगन ओना, जगन ओना मतलब होता है 61, जेग ऊपर दोना जगन दोना मतलब होता है 62, जेग ऊपर टेना जगन टेना मतलब होता है 63। झेग ऊपर झेग जगन झेग झेग ऊपर चारा जगन चारा मतलब होता है 64, झेग ऊपर माचा जगन माचा मतलब होता है 65, झेग ऊपर झेग जगन झेग मतलब होता है 66। जगह पर गई जगन गई जगह पर अठी जगन अठी जगह पर नमी जगन नमी गाय ऊपर शून्य गायन झेग ऊपर गई जगन गई जगन गई मतलब होता है 67, झेग ऊपर अठी जगन अठी मतलब होता है 68, झेग ऊपर नमी जगन नमी मतलब होता है 69, और गाय ऊपर शून्य गायन मतलब होता है 70। प्रसिद्ध जागरण आंदोलनकारी और साहित्यकार जाहिर कवि डॉक्टर मुरलीधर महतो ने कुड़म लिपि का आविष्कार किया था। इस लिपि का प्रथम प्रकाशन फरवरी 2001 में हिंदी मासिक पत्रिका दामोदर मोहर में हुआ था। धन्यवाद।